हम पढ़ रहे थे स्मृति के पन्नों से, तो हमने पहले पढ़ा था कि श्री अरविंद घोष अपने समय के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा था, लेकिन सन 1910 में अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वे गुप्त रूप से पांडुचेरी आ गए। पिताजी पांडुचेरी में थे। उन्होंने और उनके मित्र श्रीनिवासाचार्य जी अरविंद जी का स्वागत किया। भारतीय जी अरविंद बाबू के संपर्क में आकर वेदों का अध्ययन करने लगे। सन 1910 में उन्होंने पूरा ध्यान साहित्य रचना में लगा दिया। सन 1912 का वर्ष उनके जीवन में बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। दुख की आंच में तप तप कर कविता निखरती गई। उनकी कविता सुनकर पाठकों और श्रोताओं को मुग्ध कर देती। तो बच्चों, आज हम उसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। गुनगुनाते हुए पिताजी को कमरे में चहलकदमी करते देख ही पता लग जाता कि आज वे किसी नई रचना को जन्म देने वाले। जब पिताजी गुनगुनाते हुए कमरे में चहलकदमी करते तो पता लग जाता था कि आज कोई नई कविता की रचना को जन्म देने वाले। जब तक वह उनकी गंभीर वाणी में मुखरित न होती, तब तक उन्हें खाने पीने की सुध भी न रहती। जब तक वो गंभीर वाणी में कविता को मुखरित न कर लेते, तब तक उन्हें खाने पीने की सुधि बुध न रहती। ऐसे समय उन्हें एकांत ही प्रिय लगता था और ऐसे समय में उनको एकांत ही प्रिय लगता था। कविता को स्वर ताल में बिठाना तक आराम न लेते। जब तक कविता को वह स्वर ताल में बिठा न लेते, तब तक वो आराम भी नहीं करते। जोर जोर से पैर पटकते, आंखें मूंदते, स्वर की तान छेड़ते। अब जब तक वो कविता बना नहीं लेते, उसको तान उसकी बिठा न लेते थे, तब तक वो अपने पैरों को जोर जोर से पटकते थे, आंखें मूंद कर स्वर की तान छेड़ते थे, चहलकदमी करते और मैं उन्हें मुग्ध मंत्रमुग्ध सी देखती रहती पांडुचेरी के निकट एक सुंदर आम्रकुंज है। शांत और रमणीय उस अमराई की संघनन छाया में पक्षियों के कलरव के बीच ही कोयल का गीत लिखा गया। चहचहाने की आवाज के बीच कोयल का गीत लिखा गया। पिताजी की प्रकृति के उपासक थे। वह सौंदर्य प्रेमी भी थे। हरियाली से लहराते खेत मंद पवन में झूमते, वृक्ष पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते, पंछी चटकती कलियां खिलते, फूल और उफनी लहरे गरजता। अब जो हरियाली से लहराते खेत और मंद पवन से झूमते वृक्ष और पंख को देखते हुए और पंछी की चटकती कलियां खिलते हुए और उफनी की लहरें गरजराते हुए ये सब उनके दिल को मोह लेती थी। ये सब आवाजें जो थी वो उनके दिल को मोह लेती थी। वे स्वयं को भूल कर जाते और कविता मुखरित हो उठती उनकी जो कविता थी वो मुखरित हो उठती थी। एक दिन की बात है, मित्रों की मंडली जमी थी। उनके मित्रों की मंडली जमी हुई थी। सुअय्यर ने निराश से पीड़ित स्वर में पूछा, हम भारतीय कब तक यूं बंधे रहेंगे? पिताजी ने उत्तर दिया। अब वह से सुर अय्यर से निराश होकर और पीड़ित स्वर में यानी दुखी स्वर में उनसे पूछते कि हम भारतीय कब तक यूं बंधे रहेंगे? पिताजी ने उत्तर दिया, बंदी हैं हम सहते रहेंगे। अब कह रहे कि हम बंदी हैं हम सहते रहेंगे। समय हमारा बदलेगा, देखेंगे धर्म की विजय पताका फहराते। जब समय बदलेगा तो हम देखेंगे धर्म की विजय पताका फहराते हुए। धनुष है एक भाई। अब धनुष है और एक भाई है, गांडीव है उसका नाम। धनुष एक भाई है और उसका नाम है गांडीव। यह पांचाली शपथम
में अर्जुन का कथन था। अब ये जो कथन है वो पांचाली सप्तम में अर्जुन ने कहा था। पूज्य व वेश अय्यर को जोशीले स्वर में बार बार इसे दोहराते हुए मैंने देखा और सुना। जो पूज्य व वेश अय्यर हैं उनको जोशीले स्वर में यानी एक जोशीले स्वर में वो बार बार उस कविता को दोहराते हुए मैंने देखा और सुना भी है। दरिद्रता, बीमारी, पारिवारिक कठिनाइयाँ, मानसिक वेदना आदि से पिताजी का दुर्लभ शरीर जर्जर हो चुका था। अब दरिद्रता और बीमारी और पारिवारिक कठिनाइयों से जो पिताजी थे उनका जो शरीर था वो दुर्बल और शरीर एकदम जर्जर हो चुका था, फिर भी उनका मन स्वस्थ, तेजस्वी और फुर्तीमान था। उनकी भारत समुदायम शीर्षक कविता यह पंक्ति है। उनकी जो भारत समुदाय शीर्षक कविता यह पंक्ति है। यह देश 30 करोड़ लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है। ये जो हमारा जो देश है वो 30 करोड़ लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है। इस पर सबका समान अधिकार है। ये जो देश है इस पर हमारा सबका समान अधिकार है। हमारा यह समाज और हमारी लोकतांत्रिक सत्ता दुनिया में निराली है। जो हमारा जो समाज है, ये जो लोकतांत्रिक सत्ता है, यह दुनिया से निराली है। हम समस्त भारतीय एक कुल के हैं। जो हम समस्त भारतीय हैं, वह एक ही कुल के हैं, एक ही जाति के हैं। यहाँ पर सबका स्थान समान है। यहाँ पे जो सबका स्थान है वो एक समान है। ऊंच नीच कोई नहीं है। यहाँ पर ऊंच नीच कोई नहीं है। हर भारतीय इस देश का राजा है। हाँ, राजा है। अब जो यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है और जो यहाँ पे जो हर भारतीय है वह देश का राजा है और हाँ, राजा है। पिताजी पर हमेशा सुधार की धुन सवार रहती थी। अब जो पिताजी थे उनके ऊपर जो है देश सुधार की धुन हमेशा सवार रहती थी। समाज के अर्थहीन बंधनों से मानव को मुक्त करने के लिए वे अधीर थे। जो समाज के जो अर्थहीन बंधन थे उस पे मानव को मुक्त करने के लिए वो अधीर रहते थे, यानी बहुत ही उत्सुक रहते थे। सामाजिक और जाति बंधनों के विरोधी थे। वे सामाजिक और जाति बंधनों के विरोधी थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता और जातपात दिखावा उनका जोरदार खंडन किया। उन्हें न समाज का डर था, न व्यक्तियों का, न उनको समाज का डर था, न किसी कोई व्यक्ति का डर था। वे बिल्कुल आजाद विचारों के आजाद पुरुष थे। वे बहुत ही आजाद विचार के थे और उनका जो वे पुरुष भी एक आजाद थे। पिताजी सर्वधर्म समानता को मानने वाले थे। अब जो पिताजी थे वह सर्वधर्म समानता को मानने वाले थे। विभिन्न जातियों वालों, नीच कहे जाने वालों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया था। अब जो विभिन्न जाति वाले लोग थे और नीच कहे जाने वाले लोग थे उनके साथ उन्होंने बैठकर भोजन भी किया था। इस बात को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया था। पांडुचेरी में उन्होंने एक हरिजन युवक का उपनयन करवाया था। अब जब पांडुचेरी में थे तो उन्होंने एक हरिजन व्यक्ति का उपनयन करवाया था। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे और वे बाल विवाह के विरुद्ध भी थे। वे नारी जागरण, नारी की उन्नति तथा स्त्री शिक्षा पर बल देते थे। अब वे नारी जागरण और नारी की उन्नति और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। वे बहनों को स्वाभिमानी और निर्भीक और साहसी बनने का उद्देश्य दिया करते थे। अब जो बहनें थीं उनको वो स्वाभिमानी बनने का और निर्भीक बनने का और साहसी बनने का उपदेश दिया करते थे। और वे रोबीला चेहरा, तनी हुई मूछें, दुबले पतले छर्रा शरीर, सिकड़ी हुई छाती। अब उनका जो चेहरा था वो रोबीला था, तनी हुई मूछ थी और दुबला पतला छर्रा शरीर और सिकड़ी हुई छाती थी। उनका रंग सांवला और चौड़ा ललाट के मध्य कुमकुम का बड़ा तिलक। अब उनका जो रंग था सांवला था और चौड़ा ललाट था और ललाट के बीच एक कुमकुम का टीका, बड़ा सा तिलक और घनी भुटियां, तीखी नाक और घनी भुटियां और तीखी नाक, पिचके गाल, सिर पर पगड़ी। अब जो उनके जो गाल थे वो पिचके थे और उनके सिर पर पगड़ी थी। खुली शर्ट, उसके ऊपर ढीला कोट, और खुली शर्ट रहती थी और उसके ऊपर ढीला कोट। उमंगों से भरा हृदय, मस्त चाल, सरल और सीधा व्यवहार। उमंगों से भरा हृदय
और उनकी जो चाल मस्त और सरल सीधा व्यवहार, उस पर से उनकी आंखें इतनी चमकीली और आकर्षक थी, और उन सब पर जो उनकी आंखें थी चमकीली और बहुत ही आकर्षक थी कि देखने वाला सम्मोहित सा हो जाता। अब जो उनको देखता था उन पर सम्मोहित हो जाता था। उनकी क्षीणा काया को देख मन में प्रश्न उठता। अब जो उनकी जो बनावट थी उनको देखकर मन में यह प्रश्न उठता कि क्या इसी व्यक्ति को इतना तेज और सशक्य काव्य प्रतिभा है, क्या इसी व्यक्ति में इतनी तेज और इतना सशक्य काव्य प्रतिभा है क्या। तो बच्चों आज का पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ।